एनआईएस क्लास 10th और क्लास 12th अप्रैल मई 2023 सेशन के टीएमए आ चुके हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने टीएमए जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दें। और टीएमए के लेकर के एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम एनआईएस में एनरोल हुए हैं उन सबको बता दिया जाता है कि जो टीएमए सबमिशन की डेट थी वो इससे पहले, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो डेट्स में फेरबदल हो रखा था, किंतु आपकी जो अब डेट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में आपको जमा करने होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एनआईएस का क्लास 10th और 12th के लिए, दोनों के लिए होता है टीएमए। और जो स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि टीएमए ओरिजिनल मार्कशीट में एड होते हैं या नहीं होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोग ये कन्फर्म कर लीजिए कि एनआईएस ने आपका एडमिशन कन्फर्म कर दिया है और आपको एनआईएस की तरफ से आई कार्ड दे दिया जा चुका है। ये इस तरीके का एक आई कार्ड होता है, ये स्पेसिमाइन है आपका एनआईएस के आई कार्ड का, कुछ इस तरीके का आपका आई कार्ड दिखता है। तो इसे अगर आपको प्राप्त हो चुका है आपका आई कार्ड, दैट मींस यू आर नाउ एलिजिबल टू सबमिट योर टीएमए। और टीएमए सबमिट करने के लिए भी आपकी स्ट्रीम होती है, अगर स्ट्रीम वन के आप कैंडिडेट हो तभी आपके लिए टीएमए होगा, अदरवाइज आपके लिए टीएमए नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि हमारे उसमें टीएमए क्यों नहीं आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एश्योर कर लिए कि भाई आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। उसकी कन्फर्मेशन होने की सबसे पहले जो एक स्टेप है वो यही है कि आपको एनआईएस ने आई कार्ड जारी कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि ओरिजिनल मार्कशीट में ऐड होते हैं नहीं होते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये एक चीज बनी हुई है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये टीएमए के मार्क्स वाला ब्लॉक है, ये पूरा देख रहे हैं आप, ये 20 में से कितने मार्क्स स्टूडेंट ने अचीव करे हैं, तो ये उसके टीएमए के मार्क्स है और ये उसके टोटल मार्क्स है, और इन टोटल मार्क्स में ये टीएमए के मार्क्स भी ऐड होते हैं, तो एक तरह से बेनिफिशियरी है। और जो स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, जैसे इसी के बगल में एक स्टूडेंट है जिसने टीएमए नहीं बनाए हैं, वो एब्सेंट है, तो यहाँ पर पूरा एब्सेंट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके टोटल पर भी इस चीज का फर्क पड़ता है। अगर इसने टीएमए बनाए होते तो थोड़े बहुत इसके मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। खैर, आगे देखा जाए तो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, दोनों के लिए टीएमए होते हैं और सारे सब्जेक्ट के टीएमए 20 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं, ये कुल मिलाकर के 36 विषय हैं, इन 36 के 36 विषय के आपके टीएमए बनाए जाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इनको फटाफट बनाएं। और क्लास 12th के भी लगभग 36 विषय होते हैं जिनके टीएमए होते हैं, ऑलमोस्ट सभी विषय के आपके टीएमए होते हैं। और इन टीएमए के क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्लिक करके उन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे आपको छोटा सा सैंपल दिखा देते हैं किस तरह के टीएमए होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये टीएमए के क्वेश्चन हैं, ये हिंदी के हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्वेश्चंस हैं, और इसमें इनके आगे इनका वेटेज दे रखा है, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन है। इन सबको आपने एक फाइल में क्वेश्चन नंबर 1 लिख के क्वेश्चन लिखा है, फिर उसका नीचे आंसर नंबर 1 लिख के आंसर लिखा, और ये सब आप अपने घर बैठे अपने सहूलियत के अनुसार ही बनाते हैं वो, और बाद में इनकी फोटो खींच के आप पीडीएफ बना करके इनको अपलोड कर देते हैं, वो भी आपको बताएंगे किस तरह से आपने वो करना होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का छोटा सा प्रोसेस और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीएमए बनाते हैं तो आपके पास होने में, एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाती है। ठीक है, तो ये रही मेन बात इस चीज की। और आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब आप इनको जमा कैसे करेंगे। ये जब आप अपने डैशबोर्ड में एंटर करते हैं, जो एनआईएस का डैशबोर्ड होता है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड टीएमए। अपलोड टीएमए पे आप क्लिक करेंगे और अपने जो भी आपने टीएमए बनाए हैं उनको आप अपलोड कर देंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अपलोड करने के कुछ दिनों बाद जो आपका टीएमए है, यहाँ पर देखो ये स्टेटस शो होने लग जाता है कि जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट रहे हैं बच्चे के, उसके आगे उसके मार्क्स अपलोड होना शुरू हो जाते हैं और बच्चे को रिफ्लेक्ट हो जाता है। इन सब चीजों को स्टूडेंट डायरेक्ट इसी के नीचे देख सकता है, जहां पर उसने ये टीएमए अपलोड का ऑप्शन देखा था, इसी के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है टीएमए स्टेटस। इस पर क्लिक करेगा वो स्टूडेंट अपने डैशबोर्ड से, तो पर्टिकुलर उसका पूरा डेटा उसके सामने रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। बात करी जाए डेट्स की, तो जो डेट्स हैं वो आपकी शुरू हो जाती हैं, अगर आप अप्रैल मई वाले ब्लॉक के हैं स्टूडेंट, अप्रैल मई वाले ब्लॉक के हैं तो आपके 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक है, और अक्टूबर नवंबर वाले ब्लॉक के हैं तो 31 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपको अपने टीएमए सबमिट करने होते हैं। बट आप सभी से एक
निवेदन है कि आप सभी अपने टीएमए पहले से बना के रखें और समय रहते इनको जमा कर दें। और एक और बात बता दी जाए, अगर आप इसमें लेट कर देते हैं कि भाई आपने टीएमए सबमिट नहीं करे, तो एनआईओएस आपसे लेता है कितना पैसा, 1500 रुपये टीएमए की लेट फीस, 1500 रुपये टीएमए की लेट फीस। और ये लेट फीस आप ऐसा मत समझिएगा कि ये टोटल है, ये टोटल नहीं है, ये ईच सब्जेक्ट की है। दैट मीन्स ईच टीएमए की लेट फीस आपको 1500 पड़ेगी, तो लगभग ये 7500 से लेकर 8000-1000 रुपये तक पहुंच जाता है। ठीक है, मिनिमम हर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट तो होंगे, तो आप इसको लगा ही सकते हैं, है ना। तो समय रहते आप इन सब चीजों को कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे निकालते हैं देखिए। आपकी बुक्स अगर आपके पास आ गई हैं तो बहुत इजी होता है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जैसे ये क्वेश्चन है इसका, ये देखो जो भी क्वेश्चन होगा तो उसमें उसके नीचे उन्होंने खुद यहाँ पर एक नोट डाला रहता है कि भाई आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। आपने इसमें लिखा हुआ, आपने इसे जगाओ कविता पढ़ी, इस कविता का मूल संदेश ग्रहण कर आप अपने दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, तो इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, पार्ट नंबर जो 12 होगा, जो आपकी एनआईओएस की क्लास 10th की हिंदी की है, क्योंकि हिंदी का टीएमए है, तो उसका जो पार्ट नंबर 12 है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का एक तरह से आपका रिविजन भी हो जाता है, वो टीएमए परचेज करने वाला काम बेकार होता है। ठीक है, तो अपनी मेहनत से करिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इसी बहाने आपका एक तरह से रिवीजन भी होता है और आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई आप अच्छे तरीके से अपने चीजों को फॉलो कर रहे हैं। वो ऑनलाइन परचेज करके, वो पीडीएफ अपलोड करके, उस चीज से वो फायदा नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी टीएमए से रिलेटेड। फिर भी कोई बात है जो आपके जहन में है और आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर नीचे कमेंट में, या जो हमारा नंबर है आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। और मोस्टली अगर आप करना चाहें तो व्हाट्सएप ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको आपके सवाल का जवाब जैसे हमें टाइम लगता है हम आपको टेक्स्ट करके भेज देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप सभी को बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एवरीवन।